दोस्तों, इस वीडियो में जो कवर करने वाले CWS लीग का जो कि वनडे मैच खेला जाएगा, ये 33rd मैच है और इसके बाद 3 मैच है, उसके बाद सीरीज खत्म। सीरीज पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, कुछ दिन बाद मैच होगा, 1 महीने बाद। और उसके बाद आप देखोगे ये जो मैच है यूए और यूएसए का हो, और दिन का सबसे बेस्ट मैच भी आप कह सकते हो। कोशिश करना ग्रैंडली वगैरह खेले, उससे पहले आधा 1 घंटा पहले मैच है उसको भी मैं कवर कर दिया हूँ। वीडियो अपलोड हो या आप लोग जाके देख लेना, ठीक है, जाके जो उसे देख लेना। लेकिन इससे जब फोकस करते हैं, अभी से सब्सक्राइब वाला बटन जिन्होंने दबाया नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब उसे कर लेना, क्योंकि इससे ना मोटिवेशन मिलता है और बहुत तगड़ी हम लोग विनिंग करते हैं। तो सब्सक्राइब कर जरूर से लेना और वीडियो को तो लाइक कर ही देना। फाइन टीम लिए टेलीग्राम चाहे ज्वाइन, क्योंकि देखो ऐसे मैचेस की टीम आपको कोई नहीं देता और सालों से हम लोग कवर कर रहे हैं, हमेशा हम लोग कवर करते हैं। तो फाइन टीम लिए टेलीग्राम चाहे जूस से ज्वाइन कर लेना, आपको अपडेट्स वगैरह आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले मिल जाता है। तो टेलीग्राम चाहे जूस से ज्वाइन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है, उस पर क्लिक कर सकते हो, लिंक 100% काम करता है। तो टेलीग्राम चैनल जूस से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से कर लेना, पहले लिंक पर क्लिक कर गए इस इंटरफेस आ जाएगा, फिर ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लो। बस ध्यान रखिएगा मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल बने जो कि मेरे बिल्कुल भी नहीं है, मेरा एक ही टेलीग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हो, बस उस पर क्लिक करोगे तो आप रियली ज्वाइन करोगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा पैसा नहीं देना है, 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, इतना याद रखना। एंड बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैं कवर करना चाहूँगा, मैं नोट्स बना के रख रख रहा हूँ। ओपन करते हैं, देखो कुछ ही देर मैच स्टार्ट हो जाएगा ना, 4 घंटा बच ही रखा है। तो देखिए ये जो मैच है ना, बार बार अच्छा नहीं लगता बोलने में, ये मैच विंडोक में ही खेला जाएगा, नाबीबिया में। और नाबीबिया का विकेट कौन नहीं जानता, जिन्होंने सब्सक्राइब किया उस सबको पता है कि नाबीबिया का विकेट कैसा है। अच्छा नहीं लगता भरा बोलने में, टीम ये विकेट सेम विकेट पर खेला जाएगा नाबीबिया में, जहाँ पर लास्ट मैच खेला गया था नाबीबिया का, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, नाबीबिया को बोल रहा हूँ, ये यूएसए और यूएई के बीच जो मैच खेला था उसी विकेट पे मैच खेला जाएगा, नाबीबिया में ही खेला जाएगा, इतना याद रखना। वंडर्स क्रिकेट ग्राउंड वही है यार, नाबीबिया का है ना, विंडोक वही ना, नाबीबिया का ही है। 1 बजे ये मैच स्टार्ट हो जाएगा, आप डेटा टाइम के हिसाब से लाइव फैन कोर्ट पे देख सकते हो। अगर हम बात करें थोड़ा सा पिच रिपोर्ट, अगर कुछ लोग बोलेंगे ना तो बता दो आपको एक्सपीरियंस होगा कि विंडोक के विकेट पर खेलने का कैसा विकेट रहता है। तो टेंशन ना लो, पिच रिपोर्ट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, वही विकेट है, बार बार ये लोग यूज़ करते हैं, न्यूट्रल विकेट समझ के टीम क्रिएट कर डालो। उसके लिए हम बात करें यूएई की लाइनअप में तो क्या इनके कुछ चेंजेस है, तो देख लेते। आयान शर्मा जो कि टीम से विकेट कीपिंग प्लस ओपनिंग करेंगे टीम से, वसीम मोहम्मद के साथ ओपनिंग करेंगे टीम से, वसीम मोहम्मद तो पावर हीटर क्या ही बोले, आयान शर्मा ठीक ही प्लेयर है टीम से, आयान शर्मा कोई खराब नहीं है। विष्णु वंडा बैटिंग करें, अलीशान शाहरुख जो कि टीम से इनफॉर्म टाइप के प्लेयर तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसा प्लेयर है ना कि मतलब T10 का बनता है टीम से, 2020 में ये बताया कि कमबैक किया था T10 में, अच्छा प्लेयर। राहुल चोपड़ा जो कि टीम से मिडल ऑर्डर संभाले, तो अली नाशे काफ़ी तगड़ा ऑप्शन है टीम तरफ से, वो बैटिंग भी मिलेगा और बॉलिंग तो 10 ओवर हमेशा रहता है इनका। वासिल अहमद आजकल अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं टीम तरफ से, प्लस टीम तरफ से मैं लास्ट में बोला भी था CVC ट्राई कर सकते हो। अयान अफसल खान लास्ट में वासिल अहमद को कोई पिक तक नहीं कर रहा था, बताओ। अयान अफसल खान ऐसा प्लेयर जिसका 2 विकेट हमेशा से कन्फर्म ही रहा है, आज तक का प्लेयर है, मतलब जबरदस्त है। जुनैद सिद्दीकी है, राहुल भाटिया है, मोहम्मद जावेदुल्ला है टीम तरफ से, तो ठीक ही ये लाइनअप से आप देखोगे तो। ये भाई क्या, अगर हम बात की यूएसए का क्या उसमें कोई चेंजेस है, वे का देख लो लाइनअप्स। अगर यूएसए की हम बात करें तो समित पटेल ओपनिंग करेंगे, एंड्रयूज के साथ ओपनिंग करेंगे, अच्छी बात है कि इन्होंने ना एक चीज़ मैंने देखा भाई, मोनक पटेल कुछ ना कुछ करता ही है, इन्होंने जितेंद्र सिंह को हटा दिया कि भाई तू हट जा, जितेंद्र सिंह का सही फॉर्म बहुत ख़राब चल रहा है यार। एक टाइम था यूएसए का मतलब कि कन्फर्म ओपनर था, बट एक चीज़ है ना कि यार फॉर्म सब कुछ मैटर करता है। एंड्रयूज अच्छा प्लेयर है, न्यूजीलैंड का प्लेयर, एंड्रयूज हर कोई जानता है, एंड्रयूज न्यूजीलैंड का प्लेयर है, लेकिन खेलता किसके लिए, अब जब मौका नहीं मिलता ना किसी को अपने देश में तो दूसरे में ज्वाइन कर लेता दूसरा टीम, इतना याद रखिएगा। एंड्रयूज के साथ भी वही हुआ है, और इन्होंने देखो और न्यूजीलैंड का प्लेयर ले रखा है, क्या कहते हैं उसको, जबरदस्त ऑलराउंडर है, नाम याद नहीं आ रहा बट जबरदस्त प्लेयर टीम से। अपना मिलिंद कुमार भी तो है, अपना तो पूरा 80% जो लाइनअप से ना इंडिया नहीं है, मैं क्या बोलूँ, सौरभ नटवालकर तक इनके पास, बताओ अपना। तो इनकी टीम से एंड्रयूज ओपनिंग करेंगे, वंडर समित पटेल कैप्टनसी करेंगे टीम से, क्षेत्र जीता जो कि टीम से फोन बैटिंग करें, मिलिंद कुमार जो कि अपना रिसेंटली अपने टीम इंडिया छोड़ के गया है, अच्छा अपने टीम से फिर बैटिंग करता है और कभी कल बॉलिंग करता है तो 10 ओवर पूरे करता है। उसके अलावा शैन अवेलेबल है टीम से, हरमीत सिंह है, जसदीप सिंह है, उसके अलावा कैनी जी है, शेडली भी इस बार अवेलेबल है, 1 मिनट, शेडली अगर अवेलेबल है तो इसका मतलब सौरभ नटवालकर अवेलेबल नहीं होगा, दोनों साथ खेलते हैं लेकिन उनकी जगह पर नाम दिख रहा है, पता नहीं लोग चेंज। उसके अलावा देखोगे डेटसेल वगैरह अवेलेबल है, इस बार सौरभ नटवालकर का नाम नहीं दिख रहा है, देखो ना, बट परफेक्ट बैटिंग ऑर्डर ये लोग अगला मतलब ये लोग लेकर आए, समित पटेल का फॉर्म अच्छा है, एंड्रयूज का फॉर्म अच्छा है, मोनक पटेल का फॉर्म अच्छा है, तो टॉप ऑर्डर तो ऐसे ही उनका तगड़ा है। मिडल मिलिंद कुमार संभाल सकते हैं और स्टैंडली तक संभाल सकता है, तो काफ़ी सही कॉम्बिनेशन बन रहा है यार, ठीक ही।
अब देखो तो बाकी जो अपडेट्स हैं टेलीग्राम पे जो से शेयर करूंगा, तो टेलीग्राम चाहे जो से ज्वाइन कर लेना, फाइन टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके कर सकते हो, लिंक 100% काम करता है। तो टेलीग्राम चाहे ज्वाइन तो पहले वाले लिंक पर क्लिक करके कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बस पहले लिंक पर क्लिक करोगे टेलीग्राम चाहे आप ज्वाइन कर लोगे, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। एंड बात करते प्ले बाई सेंसर से, जो कि मेरी वीडियो इंपॉर्टेंट पार्ट है सबसे, तो बताना जो से कि ये वाला मैच मैं कवर करूँ। अगर आप लोग बोले कवर के तभी कवर कर दूंगा। एक टाइम पर रहा करता था वुमेन में सबसे सपोर्ट आता था, बट अब नहीं होता ऐसा। कि इस बात करें प्लेयर वाइज एनालिसिस से लेकर, उससे पहले जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, देखो तो कंजूसी मत करो, पैसे नहीं मांग रहा आपसे, कोई पैसे नहीं मांग रहा, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जो से कर देना, क्योंकि ऐसे मैच आपको कोई नहीं कवर करके देगा। हम लोग दे रहे सालों से दे रहे, तो प्लीज़ वीडियो जो से लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करो, सर्च करना जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, सब्सक्राइब जो से कर लेना। बात करें विकेट कीपर सेशन, एंड्रिस गोस एक अच्छे प्लेयर टीम से, मोहनक पटेल भी अच्छा, अयान शर्मा भी ठीक है, समित पटेल, दो तीन चार जो प्लेयर्स है अच्छे प्लेयर्स है। और पहली बात है तीन प्लेयर्स किसी परफेक्ट किया होना, कि तीनों ही फॉर्म टाइप के प्लेयर है, तीनों फॉर्म है। समित पटेल अच्छा फॉर्म में चल रहा है, एंड्रिस तगड़ा प्लेयर है, मोहनक पटेल के बारे में कुछ बोलने भी कार है क्योंकि हर मैच स्कोर करता ही है। तो पिक कर चलते अयान शर्मा भी अच्छा है टीम का सर, चारों विकेट कीपर है, चारों ही कोई खराब प्लेयर नहीं है, चारों ही तगड़ा ऑप्शन है। दो सबसे ये तगड़े हैं, दो ही बाई डिफॉल्ट है, समझिए ना। तभी तीन पिक का चल रहा हो, अगर जरूरत पड़ा तो या फिर समित पटेल को ड्रॉप कर देंगे, उसके अलावा कोई फालतू प्लेयर्स नहीं पिक करेंगे। आज याद रखना वसीम मोहम्मद को पिक कर ले तो वही इनफ है, नहीं पिक कर राहुल चोपड़ा को भी नहीं पिक करूँगा। और ये कि सत्यजीत को ट्राई कर सकते हैं, बंदा अवेलेबल है ठीक है, इस बंदे को 99 पॉइंट लास्ट में मिला है, अच्छा हो तो ट्राई कर लेना, सत्यजा को ट्राई कर लेना, ये एक अच्छा पिक हो सकता है। लास्ट मैच अच्छा स्कोर किया था, टेबल से फोन है, बैटिंग करते हैं, लाइनअप से नाम भी है, तो सत्यजीत को पिक कर सकते, ठीक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो ग्रेन लेफ्ट लवर्स ट्राई कर लें, 20% मास सिलेक्शन है, राहुल चोपड़ा फॉर्म में चल नहीं रहा, पता नहीं क्यों खिला लेते। सुशांत मोडानी ये भी पुराना यूएसए का ओपनर है, लेकिन अब ये भी फॉर्म में नहीं है, क्या ही बोले इसके बारे में, पहले ही ओपनिंग करता था, फॉर्म में नहीं इसलिए हटा देते टीम। उसके अलावा हम बात करें हरमीत सिंह, लेनिस नाम तो दिखा हुआ था यार, देखो हरमीत सिंह का नाम है नशे नए पे, हरमीत सिंह का नाम है लेनिस में, तो पिक करके चलते, कोई ख़राब पिक नहीं है वैसे। उसके लिए बासिल अहमद कोई पिक किया था इस बंदे को, लिटरली मुझे बताओ ना कोई पिक किया किया था लास्ट मुझे, मैं अकेला जो था इसको कैप्टन उस कैप्टन किया अकेला, वही इसको पिक तक नहीं कर रहा था भीड़ वाली टीम में। हरमीत सिंह अवेलेबल पिक स्टडली जबरदस्त प्लेयर है, नो डाउट। मिलिंद कुमार देखो पहली बात तो मिडल ऑर्डर बहुत अच्छा संभाल रहा है, और बॉलिंग भी आजकल अच्छा ही कर रहा है टीम से, पता नहीं बॉलिंग का कुछ कंफर्म नहीं, लेकिन टीम से सही प्लेयर है। अयान अफजल खान भी अवेलेबल टीम से, इनका नाम भी आया लाइन उसमें, और एक अच्छा प्लेयर टीम से। यार सारे का प्लेयर इधर ही पिक करूँगा तो बॉलिंग में क्या निकालूंगा। सौरभ नटवाकर इनका नाम नहीं है लाइन से, अगर खेलेगा तो जू से पिक करना मेरे भाई, जू से पिक करना। देखो अभी इनका नाम नहीं ना, इन्हें जब स्टैंडली वगैरह लिखा हुआ है, हरमीत सिंह का वापसी इस जगह पर लिखा हुआ है, लेकिन इनका नाम नहीं है। अगर सौरभ नटवाकर खेलेंगे ना तो मेरे भाई आँख बंद करके पिक कर रहे, सबसे इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे टीम से। अभी के लिए अली नासिर पिक कर लो, क्योंकि मेटल ऑर्डर भी आपको चाहिए, तो अली नासिर सबको अच्छा नहीं देगा। जसदीप सिंह अच्छा बॉलिंग कर रहा है आजकल, ठीक प्लेयर टीम से, कोई ख़राब पिक बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा बॉलिंग आजकल कर रहा है। जसदीप का भी नाम है लेंस में, है ना, जसदीप का भी नाम है। सोरम टलवा कर खेलता तो मैं आफन गया ऐसे टीम पर आ लेता, कोई दिक्कत ही नहीं था। बट क्या है कि सोरम टलवाकर का नाम नहीं लेने से, इसलिए मैं कैनिजी के साथ जा रहा हूँ। सोरम टलवाकर को कोई नहीं जानता भाई, अपने इंडिया का भी मैच खेल रखा है, इंटरनेशनल मैच। देखो कुछ और बॉलर्स भी जो कि मिस कर अपनी टीम है, जुनी सिद्दीकी क्योंकि जो हर को जानते हैं टीम से इंतजार थर्ड स्पेशलिस्ट है। सोलह नटवा को तो पिक करूंगा ही, अगर खेलेगा तो डेफिनेटली बनता है। जसदीप भी एक अच्छे पिक हो सकते हैं, यासिर मोहम्मद अवेलेबल नहीं है, डेटसन अवेलेबल इस वाले लाइनस में ठीक है। कैप्टन से बात करें तो लोग मिलिंद कुमार स्टैंडली ये सब कर रहे हैं, देखो बहुत परफेक्ट टीम क्रिएट किया हूँ लिटरली, मतलब ये टीम आपको निराश नहीं कर रहा, आपको देखो देखने से लग रहा है कि यार बहुत सही टीम है। कैप्टन से बात करें तो देखो मैं पर्सनली बोलूँ ना, लोग बासिल अहमद करें कोई ख़राब पिक नहीं है, लास्ट मुझे मैं कैप्टन क्या था आप भी कर सकते हो। अली नासिर को इसलिए मिडल ऑर्डर आपको दे देगा थोड़ा बहुत, चाहो तो कैप्टन से मोहनक पटेल वगैरह भी कर सकते हो। मिलिंद कुमार के साथ मैं भी बाई डिफॉल्ट ही जा रहा हूँ क्योंकि फॉर्म अच्छा है। देखो कहने के लिए अगर आपको बैटिंग पॉइंट है तो आपको मोहनक पटेल से आपको अच्छा कोई नहीं देगा, इतना एक भी विकेट कीपिंग कौन कर रहा है, समित पटेल कर रहा है, इसलिए मैं समित पटेल को भी पिक करके चलो। तब समित पटेल या फिर मोहनक पटेल को भी कैप्टनसी कर सकते हो, दोनों पटेल को कैप्टनसी कर सकते हो। अब मैं समित पटेल के साथ भी जा सकता हूँ, मिलिंद कुमार के साथ भी जा सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मिलिंद कुमार बॉलिंग कभी भी कर सकते, इसलिए कैप्टन यार ऐसा ही सीबीसी जा रहा हूँ अभी के लिए, ज़्यादा मैं अभी टेंशन ही नहीं चाहता हूँ। कैप्टन मिलिंद कुमार, वाइस कैप्टन बासिल अहमद, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, कोई ख़राब नहीं है।
सराउंडर वाकर खेलेगा तो क्या ही चेंजेस है, कैनी जगह पे पिक करेंगे नहीं तो अली नाशिर तो मिडल ऑर्डर आपको दे रहा है इसलिए पिक किया। यार अफजल खान पता नहीं लोग इनको क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, अवेलेबल भी है जो प्लेयर्स अवेलेबल उनको पिक करके चलो, आज जो नहीं उसको क्यों पिक करेंगे आफ्टर टॉस। आइनो के चेंजेस करने की जरूरत है, सेम टीम बुक कर दो, सेम टीम से जा सकते हो, सेम टीम के साथ टीम परफेक्ट है, मिलिंद कुमार कैप्टन है तो वसीम भी सी में भी आपको उतना दम दो। ये मैच है स्मॉल लीग वालों मत खेलो ज़्यादा, स्मॉल लीग में इन्वेस्टमेंट मत करो ठीक है, स्मॉल लीग में कोशिश करो कि ग्रैंड लीग खेलें। ग्रैंड लीग ने जबरदस्त मैच है भाई, ये ग्रैंड लीग कितने सारे कैप्टन वाइस कैप्टन खुद से देखो ना, आपके पास स्मॉल लीग टीम में ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाओगे बट ग्रैंड लीग टीम में हद से ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। समित पटेल को कैप्टन कर सकते हो, एंड्रिस को कर सकते हो, मोना को कर सकते हो, वसीम मोहम्मद को कर सकते हो, सत्यजदा को पिक कर सकते हो, हरमीत सिंह को पिक कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, सैडली को कर सकते हो, मिलिंद कुमार को तो कर ही रहे, अयान अफजल खान को पिक कर ले वाइस कैप्टन कर सकते हो, उसके अलावा अली नासिर को कैप्टन कर सकते हो, कितने सारे ऑप्शन आपके पास है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, टीम कितनी परफेक्ट बन जाएगी। तो ग्रैली खेलो ना दबा के, ग्रैली खेलो। और हाँ बिना चाहे सब्सक्राइब किए मत जाना ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन पे सेट कर दो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, बाकी मिलता हूँ टेलीग्राम पर अपडेट आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल जूसी ज्वाइन कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कोई भी डाउट हो छोटे छोटे जूसे। और हाँ सब्सक्राइब करके जूसी मत करना प्लीज़, पैसे नहीं मांग रहा बस सब्सक्राइब का बटन मांग रहा हूँ जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो जो उसे कर लेना।